सुनीता गम आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल कुर्ती बताया था, अभी हम आपको कढ़ाई का कुर्ती बताएंगे। ये कढ़ाई का कुर्ती है, ये इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे, इसको फोल्ड करके इसका गला पूरा इसका बराबर आना चाहिए ऐसे। हम इसको ऐसे फोल्ड करके आराम से, ये 42 छाती का कुर्ती है। हम इसको हम इसके हमने इसकी लंबाई 42 इंच लेना है, हम 42 इंच लेंगे इसका। फिर हम इसका इधर से कपड़ा की हो गई ये 13 इंच, इसकी चौड़ाई लेंगे 13 इंच की चौड़ाई लेके, फिर हम यहाँ से इसका 13 लेंगे, 13 इसका लेना हमने 7 इंच, ये 7 इंच, यहाँ से भी हम मुड्डा 7 इंच, 7 इंच, यहाँ से हम लेंगे 13.5 इंच, 42 छत्तीस है तो 2 इंच प्लस करके 13.5 इंच ऐसे। फिर यहाँ से हम 7 इंच, ये एक आधा इंच की कटिंग 13 इंच, इधर से 13 इंच हम करें, फिर यहाँ से 13 इंच 13.5 इंच सॉरी 13.5, इस लाइन पर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं, ये आधा इंच की कटिंग हो। फिर हम लेंगे इसका चोक, चाक लेना से 14 इंच, यहाँ से फिर 1.5 इंच की गुलाई गुलाई देंगे। ये हो गई आपको कुर्ती कढ़ाई वाले, इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ से कट कर निशान फिर इसको ऐसे गुलाई से हम कटिंग करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कट करें, कढ़ाई वाला गला है वो इसी हिसाब से कटेगा इसके, यहाँ से वही 2.5 इंच है। हम इसकी ऐसे पूरा करेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको 2.5 इंच इसकी ऐसे कटिंग कर लेते हैं। गला की लंबाई है 7 इंच, हम इसको ऐसे कटिंग होते ये आगा का कुर्ती तैयार हो गई। हम ये पीछे की पीछा के सेम ऐसे ही इसकी कटिंग करेंगे, इसके हम ऐसे कटिंग इसको पूरा 13.5 इंच इसको यहाँ से ऐसे
ऐसे रखें, फिर उसको ऐसे निशान लगाएं। एक कट का निशान ऐसे, इसको कटिंग करें। कल निशान पे कट कर ये हमारी कढ़ाई वाली कुर्ती तैयार हो गई। इसको दोनों को हमने काट दिया। पीछा का गला है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जो मर्जी है, 5 इंच 7 इंच जो भी रखना है। तो पीछा का गला भी ऐसे हम कटिंग कर देंगे। मैंने इसका गला रखना है 5 इंच, ये 5 इंच। इसको ऐसे बाइन से बाइन से 5 इंच की ऐसे कटिंग करें। ये हमारा पीछा का गला और काका का गला, ये कुर्ती हमारी तैयार हो गए। आपको पसंद आए तो आप जरूर देखना, शेयर करना।